7 अक्टूबर 2008 को अमरीकी CIA के साबिक सरबरा और इंटेलिजेंस और बैन अक्वामी तालुकात के माहिर रॉबर्ट बेयर ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा कि यकीनन ओसामा बिन लादन हलाक हो चुका है। You think bin Laden is dead? Of course he's dead. What do you mean, of course he's dead? Hiding someplace in that no man's land between Afghanistan and Pakistan, no? Where are the DVDs? Bin Laden wouldn't dye his hair. 26 दिसंबर 2001 को फॉक्स न्यूज ने पाकिस्तान ऑब्जर्वर की स्टोरी के हवाले से बताया कि अफगान तालिबान ने बिन लादन की हलाकत और उसकी नामालूम मकाम पर तदफीन का ऐलान कर दिया है। 18 जनवरी 2002 को पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने CNN को इंटरव्यू में कहा कि मेरे ख्याल में वो मर चुका है क्योंकि वो कुर्दों के मर्ज में मुब्तला था। 17 जुलाई 2002 को FBI के इंसदादे दहशतगर्दी के सरबरा डेल वॉटसन ने कानून नाफिज करने वाले अफसरान की कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो जाती तौर पर समझते हैं कि शायद ओसामा बिन लादन मर चुके हैं। अक्टूबर 2002 में अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई ने CNN को इंटरव्यू में बताया कि उन्हें यकीन है कि शायद ओसामा बिन लादन मर चुका है। नवंबर 2007 को पाकिस्तान की साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू में बताया कि उमर शेख ने ओसामा बिन लादन को हलाक कर दिया है। He also had dealings with Umar Sheikh, the man who murdered Osama bin Laden. Now I know that having dealings with people. मई 2009 को पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी ने तस्दीक की कि अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक उन्हें 7 साल से ओसामा के बारे में कोई इत्तला नहीं। सदर का कहना था कि उनका ख्याल नहीं कि ओसामा जिंदा है। Do you think he's alive or dead? I've said before that I don't think he's alive. And you believe that? I have a strong feeling and I have some reason to believe that because I've asked my counterparts in the American intelligence agencies and they haven't heard of him since 7 years.